हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों को एक न्यू व्लॉग में। और स्वागत कर रही हूँ मैं शिल्पा मेधी। आज मैं वॉइस ओवर व्लॉग कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा फीवर है और मेरा पूरा गला बैठ गया है, जिसके वजह से आप लोग मेरा आवाज़ सुनने के हालत में मेरा आवाज़ है ही नहीं। इसके लिए मैं वॉइस ओवर व्लॉग कर रही हूँ, होप सो आप लोग को पसंद आएगा। सुबह उठ गई, आज संडे है तो ज़्यादा ट्यूशन वगैरह आज नहीं था, तो मैं थोड़ी लेट उठी और उठते ही मैंने घर का काम करना शुरू कर दिया क्योंकि आज बहुत सारे काम करने हैं। तो इसके लिए पहले घर का काम किया और फिर नहा वहा के मुझे बाकी जो मेरा पर्सनल काम है वो भी करना है। तो इसके लिए जल्दी से चादर वगैरह ऐसे फोल्ड किया और घर को साफ़ किया, क्योंकि बीमारी के हालत में अगर आप साफ़ सुथरी जगह पे रहते हो ना, थोड़ा सा अच्छा अच्छा फील होता है, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों को भी क्या ऐसा ही लगता है मेरे जैसा? हेलो हेलो, गला पूरा गया है हुआ है तो आज सोच रही हूँ कि वो मैं वॉइस ओवर ब्लॉक करूँगी, देखते हैं। अपने फटे ढोल जैसे आवाज़ के साथ आप लोगों को सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के बाद मैंने खाया ये चाय। एक्चुअली खाया नहीं, पिया ये चाय और फिर मैं चली अपने काम पे। ये जो आप लोगों को तवा दिखाई थी वो धीरे धीरे बन के रेडी होने वाला है और फिर मैं रेडी हो गई अपने दूसरे काम के लिए, क्योंकि आज मुझे एक शूट करना है दिवाली के लिए। सो मुझे उसके लिए बैकग्राउंड भी बनाना है। और मेरे हालत देखिए, मैंने हेयर कॉम नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है और उसी हालत में आ गई हूँ। आप लोग भी सोचते होंगे कि ये कैसी गंदी तरीके से रहती है। एक्चुअली सुबह उठने के बाद शायद सब लोग ऐसे ही रहते हैं, लेकिन वीडियो में सब लोग एकदम अच्छे से तैयार होकर आते हैं, मैं नहीं आती क्योंकि मैं रियल रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ, ना कि बनी बनाई। सो यहाँ पे मैंने बहुत सारे दुपट्टा लिए हैं, इनमें से ना कुछ दुपट्टा ऐसे भी है जिसका मतलब शलवार अभी तक छिलाया ही नहीं और मैं दुपट्टा यूज़ करने लगी, क्योंकि दुपट्टा तो पूरा फुल रेडी ही रहता है ना इसकी वजह से। और यहाँ पे मैंने ली है एक वाइट कपड़ा। इससे आप लोगों को आज मतलब जो लोग मेरे जैसे ऐसे कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उनको थोड़ा सा आइडिया भी आ जाएगा कि कैसे आप अपने लिए एक बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हो। पहले मैंने देख लिया कि मैं फ़ोन कहाँ पे सेट करूँगी तो थोड़ा सा अच्छे से धूप वगैरह आएगा, क्योंकि मैं नेचुरल लाइट में वीडियो शूट करती हूँ, इसके लिए वो देख लिया। उसके बाद मैंने ये व्हाइट कपड़ा ऐसे टांग दिया और फिर इसको मतलब ऐसे अच्छे से ये पूरा इक्वल रहे ऐसे लगा दिया। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मूड में जाऊंगी क्योंकि बहुत टाइम लग गया था ये काम करते करते, लेकिन आप लोगों को तो इतना टाइम ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती, इसके लिए मैं फास्ट फॉरवर्ड मूड में दिखा रही हूँ। सो उसके बाद मैंने सारे दुपट्टे को ऐसे एक साइड से इक्वल कर लिया और ये करते करते ना मैं ऐसे कपड़े पे मारने वाला क्लिप ना ऐसे अपने उंगली पे मार ली थी, पता ही नहीं चला और इतना दर्द हुआ ना। और फिर चारों दुपट्टे को ऐसे मैंने सेम तरीके से अरेंज कर लिया कि ऊपर चेयर पे चढ़ूँ तो फिर ज़्यादा टाइम ना लगे, ऐसे देखिए पूरा रेडी कर लिया। अभी क्या करूँगी, इन दुपट्टे को ना ये व्हाइट कपड़े के ऊपर से रख दूँगी। मुझे नहीं पता ये कौन सा डेकोरेशन बनेगा, कि ये दिवाली डेकोरेशन होगा भी नहीं कि नहीं, आई डोंट नो, बट ये एक डेकोरेशन है जो आप कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड के लिए, या फिर आपको अगर अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ खींचना पसंद है तो आप ये बैकग्राउंड ज़रूर क्रिएट कर सकते हो। इस पर लाइट्स भी लगा सकते हो, मेरा भी आइडिया था लाइट्स लगाऊंगी करके, लेकिन लास्ट वक्त पे मैंने नहीं लगाया। अभी बता देती हूँ, मैं दूसरों के जैसे सस्पेंस में आप लोगों को नहीं रखती। तो एक्चुअली क्या हुआ, लगाऊंगी सोची थी, फिर मुझे ना इतना थकान हुआ कि मैंने लगाया ही नहीं। तो अभी देखिए कैसे मैं दुपट्टे को थोड़ा सा ऐसे फैला रही हूँ, पूरा नहीं, थोड़ा सा ऐसे कुछी करके मतलब प्लेट बना के पूरा दुपट्टे को देखिए ऐसे मैंने ढक दिया है। ऐसे भी आप मतलब वीडियो शूट कर सकते हो, ऐसे भी अच्छा लगता है, लेकिन मैंने और थोड़ा कुछ किया जो कि आप लोगों को धीरे धीरे दिखाऊंगी। अभी जो मैंने ये किया ना, इसको ना आपको पीछे से भी क्लिप करना पड़ेगा, जो कि मैंने किया आप लोगों को दिखाया नहीं, तो नहीं करोगे तो ये आप शूट करते करते गिर भी जाएगा। सो आप लोग उसका ना ध्यान जरूर रखना। उसके बाद देखिए मैंने इसको ऐसे क्रिस क्रॉस किया और इसको अच्छे से ऐसे पर्दे के जैसे, देखिए पर्दे हम लोग ऐसे करते हैं ना पुराने ज़माने के महलों में ऐसे करते थे, तो मैंने उसी तरीके से इसको ऐसे अरेंज किया और फिर इस पे कपड़े में डालने वाले क्लिप लगा दिए, जिससे मतलब कि मेरा वो अच्छा लगे थोड़ा सा।
यही है मेरा डेकोरेशन। ज़्यादा मैं ऐसे तो मैं डेकोरेशन वगैरह करती ही नहीं हूँ क्योंकि, लेकिन ये क्योंकि एक ब्रांड शूट है तो उन्होंने जैसे बोला है मुझे वैसा तो करना ही पड़ेगा। और फिर ये देखने में ऐसा लग रहा था, कैसा लगा आप लोगों को? ऐसे मतलब खींच दूँगी मैं बाद में, तो ऐसा होगा मैं ऊपर की तरफ ही शूट करूँगी। ये सब तो हो गया, लेकिन मम्मी साथ में, क्योंकि मुझे इतना जुकाम है तो मम्मी ने बनाया है ये रोटी, तो अभी मैं रोटी खाऊंगी। और वैसे भी मुझे रोटी खाना बहुत पसंद है, लेकिन जुकाम की वजह से इतना दांत वात दर्द कर रहा था ना, कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मम्मी ने बनाया है तो खाना ही पड़ेगा। फिर मैं नहा के आ गई और फिर दिवाली शूट है, थोड़ा सा तो मतलब आपको प्रेजेंटेबल दिखना ही पड़ेगा, इसके लिए मैंने नेल पेंट भी लगा दिया है। तो ये किया, एकदम कितना टाइम लगता है देखिए मुझे एक नेल पे नेल पेंट करने में, मतलब मैं इतने सालों से नेल पेंट करके करती आ रही हूँ, लेकिन मैं जब नेल पेंट करती हूँ साइड में लगना ही होता है, तो मैं ऐसे ध्यान से कर रही थी कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि साइड में लगेगा साफ़ करूँगी, तो इतना धीरे धीरे कर रही थी, फिर भी इधर उधर तो लगता ही है। और राइट हैंड में लगाने में तो और ज़्यादा दिक्कत होता है मुझे, फिर भी मैं बहुत मेहनत करके लगा ली हूँ और अभी आ गई हूँ शूट करने। मेरे थोपड़े पे देखिए कितने सारे पिंपल्स बहुत आ गए हैं, क्या करूँ, फिर भी मुझे करना ही पड़ेगा। और देखिए मैं कितना सीजे ऐसे लेके इधर उधर करके बैठी हुई हूँ, इसके ऊपर वो, उसके ऊपर ये देख के मुझे लगता है कि मुझे एक ट्राईपॉड का सच में ज़रूरत है। और इतना क्लमजी के बीच में मैं बैठी हुई हूँ और वीडियो पे ऐसा लगेगा कि कुछ है ही नहीं, इतना सिंपल, लेकिन इसके पीछे ना बहुत मेहनत होता है। मैं मम्मी को बोल रही थी कि देखो 30 सेकेंड का एक रील के लिए मैं पूरा दिन काम कर रही हूँ। और ये मैंने शुरू किया था 12 बजे आई थिंक, और फिर मैंने गेट रेडी विथ मी शूट किया, फिर एक के बाद एक शूट करते 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 मेरा हालत ख़राब हो गया। देखिए मैंने ये लुक क्रिएट किया था, इतना ज़्यादा मेकअप किया था, देखिए इतना ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा ही मेकअप किया था, लेकिन अच्छा मेकअप हो गया था। कभी कभी मेकअप ना इतने अच्छे से टर्न आउट होके निकलता है, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे इतने ज़्यादा मतलब सीजे मेरे इधर उधर करके मतलब रखे हुए थे कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। ये सब अभी मुझे खोलना भी पड़ेगा और मुझे जाना है स्काउट। अभी ना 3 बज गया है और ऐसे मुझे 3 बजे घर से स्काउट का यूनिफॉर्म पहन के निकलना चाहिए, और अभी भी मैं अपने शूट वाले ड्रेस में ही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने सलवार पहना है, लेकिन नीचे से उसका पैंट नहीं पहना, हाफ पैंट पहन के ही बैठ गई। ऐसे होते हैं शूट का पीछे का हालत, जो आप लोग ऊपर ऊपर से देखते हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, और नीचे से कुछ अलग ही होता है और फिर पीछे से भी कुछ अलग ही होता है। फिर मैंने ये सब किया, मेरा मेकअप कितना अच्छा हुआ था ना, लेकिन मैंने जल्दी से धोया और करेक्ट 7 मिनट में पूरा रेडी होके मैं स्काउट चली गई थी। मैं भगवान को बोल रही थी, हे भगवान मुझे एक टॉमटम दिला देना आज, क्योंकि दोपहर के टाइम पे बिल्कुल मिलता ही नहीं है। मैं मतलब कितना कोशिश करती हूँ, और जिस दिन मैं लेट होती हूँ उस दिन तो मुझे मतलब कोई भी गाड़ी नहीं मिलता और मुझे पैदल ही जाना पड़ता है। तो मैं भगवान को बोल रही थी कि भगवान मिला देना, और भगवान ने मेरी सुन ली थी फाइनली। हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ घर और आज पूरा दिन आप लोगों से बात नहीं किया ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा दिन आप लोगों से नहीं, मैं मम्मी से भी बात नहीं की, इशारों इशारों में ही बात करी, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे गले में ऐसा हो रहा है कि अभी तो मैंने चिल्ला चिल्ला के थोड़ा सा आवाज़ निकाल दिया, लेकिन मेरा ऐसा हालत हुआ है सुबह तो पूरा गला ऐसा लग रहा था गला खुला ही नहीं जाएगा। फिर अभी धीरे 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 नाक तक आ रहा है और मुझे इतना गंदा फीलिंग आ रहा है ना अंदर से, मुझे ऐसा लग रहा है फीवर आ रहा है, मेरे पैर दुख रहे हैं, मेरा शरीर दर्द कर रहा है, लेकिन आज बुखार है और आज ही मुझे थोड़ा सा इतू सा भी वक्त रेस्ट नहीं मिला। सुबह उठते ही मैं जब ब्लॉग्स शुरू किया था, फंबल हो रही हूँ, व्लॉग शुरू किया था तब से कंटिन्यूसली, तब झाड़ू लगा के ख़त्म करते ही मैंने बैकग्राउंड बनाया, बैकग्राउंड ख़त्म करके नहाई, नहाने के बाद कंटिन्यूसली शूट कर रही थी। फिर मेरा स्काउट था और फिर मैं इतना लेट हुई कि मैं ऐसा डराम डराम करके मतलब इधर खाना खा रही हूँ उधर मूड हो रही हूँ, क्योंकि इतना मेकअप लेके तो नहीं जा सकती थी। तो पूरा ऐसे करके मैं स्काउट ऐसे दौड़ दौड़ के पहुँची और फिर मम्मी पानी ले गई। और फिर अभी
कितने बजे है, 6 बजे है और अभी जाके मैं घर पहुंची हूँ। मेरा पैर इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है, मैं क्या बताऊँ। लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरा मुंह ही नहीं है, मेरे मुंह में मतलब तंग ही नहीं है, ऐसा लग रहा था। पूरा दिन बात नहीं कर रही थी, मुझे लगा जैसा भी आवाज़ हो मुझे बात करना है तो मैं कर ही लेती हूँ। अभी मैं फ़िलहाल पानी पी के ड्रेस चेंज करती हूँ, फिर क्या करूँगी, कुछ नहीं है। मुझे मैंने आज का एडिट तक अभी तक नहीं किया, पता है अभी एडिट करके वीडियो भी डालना है, सब कुछ करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी, ज़रूर बने रही। और फिर मैंने आप लोगों को बाय करने के बाद थोड़ा सा बिग बॉस देखा, आप लोग देख रहे हैं, तो वो देखने के बाद मुझे लगा क्योंकि हमारे घर पे फिर से एक प्रोग्राम है तो उसके लिए लोग भी आएंगे, तो इसके वजह से मुझे लगा कि मैं बिग बॉस देखने से अच्छा है मैं कि घर का काम करती हूँ। तो फिर मैं काम करना शुरू कर दिया और मेरा जूड़ा देखिए कहाँ पे मैं बंधी हुई हूँ। एक्चुअली बिस्तर पे बैठने से नीचे हेयर मतलब टाई होने से ना बहुत दिक्कत लगता है, तो इससे मैंने ऊपर में जूड़ा बना लिया था, इतना सर दर्द हो रहा था एक्चुअली, तो मैंने ये कर लिया था। फिर मैंने सोचा कि एलोवेरा जेल ना निकला हुआ ही है, ऐसे तो मैं लगाती नहीं हूँ, आज ऐसे सामने है तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा एलोवेरा जेल अपने स्कैल्प पे लगा देती हूँ, ऐसे रखे इसका एक्सपायरी चला जाएगा, इससे अच्छा मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो फिर मैंने एलोवेरा जेल लिया और अपने स्कैल्प पे अच्छे से यूज़ किया। आप लोग करते हो करना, अगर आप लोग मतलब मेरे जैसे लेजी नहीं हो, मुझे ना कोई भी चीज़ कभी एक दिन करना पसंद है, उसके बाद उसको मैं मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाती, मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है हाय मैं इन नियमों के अंदर नहीं घुस सकती कि उस दिन पे यही करना है। मुझे कभी मतलब मन होगा तो मैं करूँगी, मन नहीं होगा तो नहीं करूँगी, ऐसी वाली लड़की हूँ मैं। तो फिर मैंने आज मुझे मन किया तो एलोवेरा जेल लगा लिया। एक्चुअली मैं दोपहर में सूट के लिए एक्चुअली ये निकाली थी तो बाहर ही निकला हुआ था क्योंकि मैं लेट हो गई थी ना, तो सब कुछ ऐसे सामने पड़ा हुआ था, तो मैंने सब कुछ ऐसे अच्छे से समेटा, सब कुछ रखा और फिर मैंने ये अभी हेयर भी टाई कर लिया। उसके बाद मुझे लगा क्यों ना मैं अपने हेयर को एक और लुक दूँ, क्योंकि ऐसे तो मैं कितना गंदी तरीके से रहती हूँ आप लोग देखते ही हो, और कहीं पे जाती हूँ तो वो एक सेम पोनीटेल बनाती हूँ, इससे अलावा कुछ भी नहीं बनाती। एक्चुअली मैं मुझे बहुत कुछ बनाना आता है, बनाती ही नहीं गाइस, क्योंकि एकदम मैं अलग टाइप की लड़की हूँ, मुझे पसंद ही नहीं आता है तो मैं मतलब नहीं बनाती। लेकिन घर पे जब एकदम बेकार रहती हूँ तो मैं ये सब करती रहती हूँ। तो फिर मैंने ये देखिए फिर से एक ये ब्रेड बना लिया और फिर देख रही थी कैसी दिख रही हूँ मैं तो मैं ऐसी वाली काम करती रहती हूँ, और मम्मी मुझे बोल रही थी ये करो वो करो, और फिर ऐसे मम्मी बोल रही थी तो मैं ऐसे देख रही थी, मम्मी मुझे बोलती रहती ये करो वो करो वो करो, कितनी बातें हैं मेरी मम्मी के बारे में बताने के लिए। और देखिए ये चंपा चमेली बनती हूँ कभी कभी मैं क्या नहीं करती आप लोग ये पूछिए, मैं लड़कों वाला भी करती हूँ, लड़की वाला करती हूँ, औरतों वाली भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, मतलब मैं अलग किस्म की लड़की हूँ आप लोग देखो, मतलब कभी कभी अकेले अकेले ही मज़े करती रहती हूँ, अच्छा लगता है। और ये मेडिसिन लेके आई थी मैं क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा बुखार है ना, तो रात को मुझे खाना पड़ेगा। और फिर ये सब देखिए सामान से कितना भी समय तो निकलता ही जाता है, ये यूनिफॉर्म पहन के गई थी ना, तो अभी मैं इसको बाहर रख दूँगी थोड़ा सा सूखने के लिए, हर रोज़ नहीं धोती मैं क्योंकि नहीं तो कलर फेड हो जाता है ना, यूनिफॉर्म का कलर फेड होने से अच्छा नहीं लगता। और मैं हफ्ते में एक दिन पहनती हूँ तो 2-3 दिन पहन लेती हूँ, उसके बाद ही धोती हूँ। अगर बारिश के मौसम होता है तो धोना ही पड़ता है क्योंकि कीचड़ वगैरह लग जाता है, अदरवाइज मैं नहीं धोती। अभी तो ठंडी के मौसम है, इतना ज़्यादा गंदा नहीं होगा, तो 2-3 दिन तो पहन लेती हूँ उसके बाद ही धोती हूँ। तो ऐसे कितने सारे काम कर लिया और अभी मम्मी खाना बना रही थी दूसरी तरफ, तो खाना खाऊंगी, मम्मी ने आज बैंगन फ्राई किया है तो वो सब खा के सो जाऊंगी। बाय बाय गाइस, कल मिलेंगे।